सो गाइज अभी मैं आया हूँ यहाँ पे पेंडरकर रोड पे डोंबिवली के, जहाँ पे ये चारकोल शोरमा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसका अगर प्राइस भी आप देख सकते हो सो 100 रुपीज़ 130 एंड 150 से है। बट यहाँ का मैंने यहाँ पे बहुत सारे शोरमा, ये पूरा फूड लेन है। यहाँ पे नॉर्मल जो अपने शोरमा रहता है जो भट्टी पे चलता है, तो यहाँ पे वो एक ही शोरमा है जो चारकोल पे चल रहा है, तो इसका फ्लेवर थोड़ा, अरोमा थोड़ा अच्छा रहेगा फॉर श्योर। और ये कैबेज यूज़ नहीं कर रहे, लेटस यूज़ कर रहे हैं, बेबी कॉर्न इसमें यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारा है, कैप्सिकम, अनियंस। सो देख के काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये बोलते ना ऐसा रेगुलर शोरमा जो इंडियन टच वाला शोरमा है वो वैसा नहीं है। ये सॉस मोस्टली वैसे ही रहेगा जो गार्लिक सॉस, बट जो प्रिपरेशन था जो मेकिंग का वो काफ़ी ज़्यादा कूल है। सो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे अभी हमारे लिए प्राइस के हिसाब से वर्थ है कि नहीं। सो लेट्स सी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनका शोरमा काफ़ी ज़्यादा फ्लफी भी है और इसके अंदर का स्टफिंग आपने देखा इसके प्रिपरेशन में क्या क्या था। सो आई लव्ड इट। तो अब इसका टेस्ट देखते हैं, क्योंकि इनका मायो काफ़ी पतला नहीं है, जो लोनी रहता है मक्खन, इट्स काइंड ऑफ दैट, एंड ऊपर से उन्होंने चटनी ऊपर से सर्व किया। सो यूजुअली बेसिकली सब लोग रोटी पे जो खबूज रहता है उसके ऊपर सर्व करते हैं, बट ये थोड़ा अलग है। सो फर्स्टली मैं चिकन का टेस्ट करूंगा कि ये पहला चिकन कैसा है। चिकन में काफ़ी ज़्यादा मसाले है, फ्लेवरफुल है चिकन। अभी मेन पार्ट ये है, जो एक चारकोल का स्मोकी फ्लेवर रहता है वो तो है, और जो इनका मायोनीज है ये अलग है, रेगुलर गार्लिक मायो का ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी कर रहा है इसको। तो ये अगर शोरमा बोलेंगे तो ये थोड़ा भी ड्राई नहीं लग रहा है, तो इसका ये प्लस पॉइंट है। और इसके अंदर कैप्सिकम है, लेटस का फ्लेवर आ रहा है, क्रंची लेटस की वजह से थोड़ा क्रंची भी लग रहा है, और जो कॉर्न्स वगैरह, कैप्सिकम, कॉर्न्स, अनियन, एक वेजिटेबल का सलाद का काम अच्छे से कर रहा है, प्रॉपर लेबिनस फूड लग रहा है ये, ऐसा रेगुलर शोरमा जैसा नहीं लग रहा है। सो दिस इज बेस्ट पार्ट। सो आई लव्ड इट, हाईली रिकमेंड करूँगा, मस्ट विजिट हियर, ये चारकोल शोरमा कड़क है, कड़क। तो आइए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विज़िट दिए, ज़रूर विज़िट दीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसे लगा। तो मैं आपको और कुछ नया लोकेशन लेके आऊँगा। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज अभी हम लोग आ गए यहाँ पे डेलिजियो मोमो में। सो यहाँ का टेस्ट, यहाँ पे यूनिक टाइप्स के मोमोज है और ये सेम लोकेट जगह पे लोकेट कर रहा है पेंडरकर कॉलेज के इधर। तो अभी जाते हैं अंदर और इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है, कि अलग अलग उनके पास वैरायटीज़ है, तो अभी चेक करते हैं उसका टेस्ट भी उतना वर्थ रहेगा कि नहीं। लेट्स गो।
तो आप देख सकते हो अभी हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर किया है, एक चिकन फ्राइड कीमा मोमोज है और एक ये स्टीम में प्रॉन्स मोमोज है। सो अभी दोनों का टेस्ट देखते हैं कैसा है, फ्लेवर में कैसा ही है। और उसके साथ हमें ये दो टाइप के सॉस दिए, एक स्पाइसी है और एक अनियन का है। सो यहाँ पे मायोनीज सर्व नहीं कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रॉन्स मोमोज कभी खाया नहीं है, सो आई एम पेंडिंग फॉर दैट। तो अभी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो इसके अंदर पहले आप स्टफ देखो। जो प्रॉन्स का फ्रेग्रेंस रहता है अल्टीमेट, इनसेन, ऐसा बोलते ना एक लेवल आप पार कर देता है वो है, जो कि आप देख सकते हो उसमें छोटे छोटे प्रॉन्स के जो ये रहते हैं क्रीम्स वो है। तो इसका टेस्ट देखते हैं अभी कैसा है। अल्टीमेट है, अल्टीमेट। मोमोज प्रॉन्स वाला मोमोज मैंने पहली बार खाया, अच्छा है टेस्ट में। ये क्या पता नहीं मुझे, अगर मच्छी सी फूड और कोई भी चीज़ के साथ आप सर्व करो तो वो अच्छा ही लगता है। तो अभी हम लोग अब फ्राइड मोमोज है उसको टेस्ट करते हैं। आप इसका आवाज़ सुनो, प्रॉपर वेल कुक क्रिस्पी क्रिस्पी है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसके अंदर का स्टफ देखो। देखते अभी इसका टेस्ट कैसा। ऊपर का कोटिंग काफी ज्यादा टेस्टी है। बट जो अंदर का ये जो मसाला है मेन, उसका टेस्ट कैसा है वो देखना। इसमें प्रॉपर अपना अनियन जिंजर गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, गरम मसाले का फ्लेवर है, तो ये भी अच्छा है। और ये दोनों डिश हम लोग को मिला है 270 रुपीज़ में। जो प्रॉन्स मोमोज है उसका 150 रुपीज़ है और कीमा का 120 रुपीज़। मेरा डोंबिवली टूर जो था वो सफल हो गया, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे डिश आइटम्स मिले खाने के लिए। और ये आपके लिए बहुत सही जगह है, जितने भी मैंने यहाँ पे प्लेसेस एक्सप्लोर किए डोंबिवली में सब टेस्ट में वर्थ है। सो मस्ट विजिट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आप मुझे बताएं आपको ये कैसे लगा है। तो ऐसे ही कुछ नए टेस्टी एक्साइटिंग वीडियोज़ में आपको लेके जाता रहूँगा। तो आज का मेरा यहाँ पर ब्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए एक्साइटिंग प्लेसेस के साथ और ऐसे ही टेस्टी एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। Till then, stay tuned. This is me, your boy Sam, signing out. Keep loving, share this video as much as possible. Aur pyar do, pyar phaila. Bas. Peace out. आज का जो मेरा डोंबिवली का ब्लॉग हुआ है मेरे भाई की वजह से, स्पेशली मेरे भाई की वजह से मेरा सब शॉर्ट हुआ है। ये मेरा भाई है शुभम, इसकी वजह से आज मेरा जो भी ब्लॉग्स है, आज वो जितना भी डोंबिवली एक्सप्लोर करने मिला है वो सिर्फ इसके वजह से। सो थैंक्स टू हिम, मिलते हैं इसको अगले वीडियो के साथ।